जय हिंद। आज हम देखेंगे प्रोसेसर को कैसे लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो तीन प्रोसेसर और मदरबोर्ड दिया हुआ है और कौन सी प्रोसेसर किस मदरबोर्ड में सपोर्ट करेगा, ये सीपीयू सॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर LGA1155 सॉकेट में सपोर्ट करता है और फोर्थ जनरेशन का LGA1150 सॉकेट में सपोर्ट करता है। तो प्रोसेसर के ऊपर एक साइड कॉर्नर में ट्रायंगल त्रिकोण बना हुआ होता है, ये रहा। और मदरबोर्ड पे जो सीपीयू सॉकेट है उसमें भी एक साइड कॉर्नर में एक छोटा सा कट होता है। अब हम इन दोनों को मिलाकर इंस्टॉल करेंगे। ठीक ऐसे यहाँ पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप लोग कभी भी कोई भी एंगल में प्रोसेसर को मत लगाइए, ऐसे नहीं लगाना है, नहीं तो ये जो सीपीयू सॉकेट के अंदर जो पिन होता है वो सब डैमेज हो सकता है। अब सॉकेट को लॉक कर लेते हैं और इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगाकर सीपीयू फैन इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।